खबर इंडिया 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में ठीक 10:45 पर संसद पहुंचे, कार से उतरे, अपना हाथ लहराया और विजय का निशान बनाया, जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के नतीजों का संकेत था। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। चुनाव में मिली जीत के बाद मीडिया से बातचीत के लिए मोदी उतावले नहीं हुए। वे ट्वीट करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर आमने सामने की बातचीत नहीं करते। हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में बढ़ चढ़कर बोलने से बचते हैं, यही उनकी शैली है। वो पहले मीडिया में मुद्दे पर भरपूर बातचीत हो लेने देते हैं। देश में बहस और चर्चा के जो अन्य मंच हैं, जैसे कि चाय की दुकान पर चलने वाली चर्चा या प्रखंड स्तर पर होने वाली बातचीत या फिर गांव के चौपाल की चर्चा, इन सारी जगहों पर जब मुद्दे पर बात हो चुकी होती है तब प्रधानमंत्री को जो कहना होता है उसे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहते हैं। इसके साथ ही जीत का जश्न मनाते हैं और आगे की चुनौतियों की बाबत बताते हैं। ये जीत मोदी के नाम। दिसंबर 2017 के गुजरात चुनाव की अहमियत मुकाबले में खड़े दोनों दल, सत्ताधारी बीजेपी और चुनौती देने वाली कांग्रेस, के लिए हार या जीत से परे कहीं और आगे जाकर ठहरती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का अपना गृह प्रदेश है और पार्टी बीते 22 सालों से सत्ता में है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, गुजरात के चुनाव ऐसे वक्त में हुए हैं जब 19 वर्षों से पार्टी की कमान संभाल रही मां सोनिया गांधी की जगह बेटे राहुल गांधी को पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठाया गया। हालांकि इसी बीच राहुल की नाकामियों का सिलसिला जारी था। आखिर ये बात एक बार फिर साबित हुई कि मोदी इकलौते अपने करिश्मे के बूते कोई चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव के नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है, गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। इन नतीजों ने निस्संदेह ये साबित कर दिया कि मोदी का निजी आकर्षण बरकरार है, वो बेमिसाल हैं और लोगों को मोदी की काम कर दिखाने की क्षमता तथा नेता के रूप में उनकी ईमानदारी पर भरोसा है। गुजरात में बीजेपी की जोरदार जीत ये संकेत देती है कि बीजेपी को लेकर लोग भले ही शुरुआती दौर पर पैसों पेश में थे, लेकिन मोदी मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं और उनसे अपने लिए और पार्टी के लिए वोट डलवा सकते हैं। बीते 4 दशक में कोई और नेता इस किस्म की कुव्वत और करिश्मा नहीं दिखा सका है। मोदी ने तैयार की नई राह। गौर करने की एक बात यह भी है कि गुजरात और खासकर नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए नई राह खोलने वाले साबित हुए हैं। इससे पहले बीजेपी चुनाव जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी, लेकिन अगले चुनाव में उसके सत्ता में आने का भरोसा नहीं रहता था। यहां तक कि बीजेपी ने अपने बूते 1995 में जो सरकार बनाई थी वो अंदरूनी खींचतान की वजह से 3 साल के भीतर गिर गई। लेकिन लोगों ने बीजेपी को 1998 में फिर चुनाव में सरकार बनाने का जनादेश दिया। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी के बागडोर संभालने के बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार को स्थिरता हासिल हुई और पार्टी सूबे में उनके नेतृत्व में एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। गुजरात के चुनावी नतीजों साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी गुजरात में अपराजेय हैं। उन्होंने पार्टी के जनाधार और संगठन की ताकत को नए सिरे से गढ़ा, इस काम में पूरी ऊर्जा लगाई और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुशासन के नए तंत्र के सहारे मनोबल ऊंचा बनाए रखा। ये जीत बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा मधुर कहलाएगी, क्योंकि ये जीत उस वक्त हासिल हुई जब माना जा रहा था कि GST के अमल में आई अड़चनों के कारण व्यापार व्यवसाय करने वाले गुजरात के समुदाय नाराज हैं। गुजरात भारत का सबसे ज्यादा शहरी सूबा है और यहाँ व्यापारी समुदाय की मौजूदगी ज्यादा सघन है। अगर GST को लेकर नाराजगी वास्तविक होती या फिर राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरह का हल्ला मचा वो सच होता, तो फिर गुजरात में लोग बीजेपी को फिर से 2022 तक के लिए सत्ता की बागडोर नहीं थमाते। साल 2022 तक के लिए सत्ता में होने का मतलब है कि पार्टी ने कीर्तिमान बनाया, क्योंकि 1995 से गुजरात में बीजेपी शासन में है और 2022 में सत्ता में होते हुए वो 27 साल पूरे कर लेगी। खत्म हुई नोटबंदी की बहस। तथ्य ये है कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत और स्थानीय निकाय के चुनाव में दमदार प्रदर्शन के साथ नोटबंदी पर चल रही बहस दम तोड़ चुकी थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर भी नोटबंदी को एक मुद्दा बनाया। इसे मुद्दा क्यों बनाया ये तो वही बेहतर जानते होंगे। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया और मान लिया कि इससे उन्हें बीजेपी पर बढ़त हासिल होगी। बेशक जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ उससे लेकर गुजरात के व्यापारी समुदाय में कुछ नाराजगी थी,
लेकिन सूरत के कपड़ा और हीरा व्यापारियों की नाराजगी की रिपोर्ट को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया और कांग्रेस इस चक्कर में आ गई। राहुल और कांग्रेस ये नहीं समझ पाए कि मोदी सरकार ने जीएसटी के ढांचे में सुधार करके एक अलग रुख अपना लिया है और व्यापारी समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए और भी बहुत कुछ करने का वादा किया जा रहा है। चुनाव के नतीजों ने नोटबंदी और जीएसटी पर चली बहस को हमेशा के लिए मोदी के पक्ष में सुलझा दिया। याद रहे कि जीएसटी पर अमल के बाद पहली बार यूपी में नगर निकाय के चुनाव हुए और बीजेपी ने इसमें भी जीत दर्ज की। इसके बाद अब बीजेपी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी जीत लिया है, लिहाजा पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों और इसके बाद कर्नाटक में होने जा रहे चुनाव में बीजेपी पर हमला बोलने के लिए राहुल गांधी को कोई और मुद्दा तलाशना होगा। कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रदर्शन से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। टीवी पर जारी बहस में कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग चैनलों पर पार्टी की जमकर तारीफदारी की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस की सीटें पहले की तुलना में बढ़ गई हैं और वोट शेयर भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। अगर कांग्रेस सचमुच 2019 के चुनाव और इन चुनाव से पहले मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में गंभीरता से मुकाबले में उतरना चाहती है तो उसे अपनी रणनीति और प्रदर्शन को लेकर सजिंदगी के साथ आत्म परीक्षण करना होगा। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बैल आइकन दबाएं।